मेरे स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन द फिगर अल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। इस ट्रायंगल ABC में AD अल्टीट्यूड है और CE अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड मींस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इसी तरह से CE इज परपेंडिकुलर टू AB। ये दोनों अल्टीट्यूड एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Then show that, तब हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल AEP is similar to ट्राइंगल CDP। AEP कहाँ है देखिए, ये हमारा ट्राइंगल है AEP is similar to ट्राइंगल CDP। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए हम तीन क्राइटेरिया पा चुके हैं। हम एंगल एंगल सिमिलरिटी जानते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी जानते हैं, या साइड 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 सिमिलरिटी जानते हैं। इस फिगर में आप गौर कीजिए, कहीं भी कोई भी साइड नहीं दी गई है, ना ही कोई ऐसा रिलेशन दिया गया है जिसमें साइड का रेशियो दिखाया गया हो। इसलिए हम यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलरिटी को यूज करने की कोशिश करेंगे। अब एंगल एंगल सिमिलरिटी मींस आपको अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो आप कह देंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। और इन सारे पेयर में हमें चार पार्ट सॉल्व करना है, इन सारे पेयर में हमें दो दो एंगल्स इजीली इक्वल मिल जाएंगे। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट है इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कोई भी दो एंगल्स बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ट्राइंगल है एईपी और दूसरा ट्राइंगल है CDP। ये दोनों ट्राइंगल्स आप देख सकते हैं, एक लाइन AD है, दूसरी लाइन CE है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, मींस एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPB होगा। नेक्स्ट, AD परपेंडिकुलर है CB पर, इसका मतलब एंगल PBC 90 है और यहां पे AEP भी 90 है। तो दो एंगल हमें मिल गए, हम सीधे बता देंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइए, इन ट्राइंगल एईपी हमने पहले बताया एंगल एपीई इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये रीजन भी हमने बता दिया। नेक्स्ट हम बता रहे हैं एंगल एईपी, एईपी इज इक्वल टू AEP 90 है और वहां पे CDP 90 है, एंगल CDP बोथ राइट एंगल्स बोथ 90 डिग्री। दो एंगल्स इक्वल मिल गए, तीसरा एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, हम एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज कर देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हम कह सकते हैं कौन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। देखिए, अगर हम लेते हैं ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल एईपी, आप यहां देखिए एंगल पी बराबर है एंगल पी के, तो जहां पे पी है वहां पे यहां भी पी आएगा थर्ड डिजिट। नेक्स्ट, एईपी सीडीपी, तो एंगल ई और एंगल डी बराबर है, यहां एंगल ई लिखा है, यहां पे एंगल डी आएगा और जो थर्ड लेटर बच गया उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो AEP इज सिमिलर टू CDP, हमने प्रूव कर दिया, ये हमें प्रूव करना था, एंगल ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। पार्ट में इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDE, ABD और CDE देखिए कहां पे है, ABD ABD ये ट्राइंगल है और CBE ये ट्राइंगल है। आप इन दोनों ट्राइंगल से देखेंगे, एक तो हमें एंगल ABD और एंगल CBE में एंगल B दोनों में कॉमन मिल रहा है, ABD और CBE ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है। ABD और CBE दोनों में देखिए एंगल B इंक्लूड है, तो एंगल B एक एंगल दोनों में कॉमन मिल गया। दूसरी बात, इस ट्राइंगल ABD में ये एंगल 90 का है और दूसरा ट्राइंगल
CBE में ये एंगल E90 का है, तो दूसरा एंगल हमें 90-90 इक्वल मिल गए। सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से हम कह सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो आइए बता देते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, बोथ आर सेम एंगल, दोनों एक ही एंगल है। नेक्स्ट अब हम दोनों राइट एंगल दिखा रहे हैं, तो ADB 90 है और यहां पे CEB 90 है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, ये दोनों के दोनों राइट एंगल हैं, बोथ 90 डिग्री सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी। फिर से वही सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने लगाया बाय AA सिमिलैरिटी, और दोनों ट्रायंगल्स को बता दें ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में आप आइए, अब हमें AEP और ADB ये दोनों ट्रायंगल्स लेना है। इन ट्रायंगल्स AEP एंड ट्रायंगल ADB, तो AEP और ADB, AEP ADB एंगल्स है कहां, आप देखिए AEP ये ट्रायंगल है AEP और दूसरा ट्रायंगल है ADB, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा कंप्लीट ADB इन दोनों ट्रायंगल्स में। अब आप फिर से देखिए AEP और ADB में एंगल A सेम मिल रहा है, दोनों में यही एंगल इंक्लूड है, तो एंगल A दोनों में कॉमन हो गया। नेक्स्ट AEP में एंगल AEP 90 डिग्री है और ADB में एंगल ADB 90 डिग्री है, तो दो एंगल राइट एंगल मिल गए। हम फिर से यही एंगल एंगल सिमिलैरिटी यूज करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल से बता दें एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB कॉमन एंगल या बोथ आर सेम, दोनों आप बता सकते हैं कॉमन एंगल से ये। नेक्स्ट एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, ये दोनों के दोनों राइट एंगल हैं, बोथ 90 डिग्री, तो बाय AA सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है PBC दिखाना है सिमिलर BEC के, तो फिर से लेंगे इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल BEC। अब आप आ जाइए PEC है कहां पे, PDC ये ऊपर वाला छोटा सा ट्रायंगल, ये हमारा PDC है, और BEC ये बड़ा वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। अब इन दोनों में आप देखेंगे कि फिर से हमें एक एंगल सी दोनों में कॉमन मिल रहा है, PDC और BCE ये दोनों एंगल सी को कॉमन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आपका PDC में ये एंगल D90 होगा और BEC में एंगल E90 का होगा, तो फिर से दो एंगल्स कॉमन मिल गए और दो एंगल्स राइट एंगल मिल गए। हम सेम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, तो बता देते हैं इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, ये कॉमन एंगल है। इसके बाद एंगल PDC ये 90 डिग्री का है, PDC इज इक्वल टू एंगल BCE, देखिए BEC ये 90 का होगा, एंगल BEC ये राइट एंगल है, बोथ 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। तो इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई किया है, आपको कोई भी दो एंगल्स इक्वल दिखाना है, तीसरे एंगल को इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज हम निकाल सकते हैं कि वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एट में कहा जा रहा है E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD
एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, शो दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। अब यहाँ पे हमें कोई भी फिगर नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हमारा काम है फिगर बनाना। करेक्ट फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD और इस पैरेललोग्राम की साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है E तक। E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD। तो सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम की साइड हमने इनके वर्टेक्स ABCD अगर डिसाइड कर दिए, तो ये साइड हमें AD मिली। इस साइड AD को बढ़ाया गया है अप टू E तक। देखिए कहा जा रहा है E इज पॉइंट ऑन द साइड AD। AD साइड प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम ABCD के साइड AD को बढ़ाया गया, तो उस बढ़ी हुई साइड पे एक पॉइंट E है। नेक्स्ट एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE BCE को मिला दें, इस BE ने साइड CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तब हमें शो करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ABE कहां पे है देख लीजिए, ABE ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ये हमारा है ABE। इस ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है CFB के, ये दूसरा ट्राइंगल है CFB। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम फिर से यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करने की कोशिश करेंगे। एंगल एंगल के लिए हमें कोई भी दो एंगल्स बराबर मिलना चाहिए। आप जानते हैं 8th क्लास में आपने पढ़ी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो हमें पता है कि इस पैरेललोग्राम ABCD में एंगल A और एंगल C ये दोनों बराबर होंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से हम इनको कह सकते हैं एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल BCF। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। नेक्स्ट हमें इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करना है। पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि दोनों साइड्स यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो BC और AD ये दोनों पैरेलल हैं, BE इसमें ट्रांसवर्सल है, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे। हम ये कह सकते हैं एंगल FBC और एंगल BEA ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बस दो एंगल्स की हमें जरूरत थी, वो दोनों एंगल्स हमने बराबर दिखा दिए हैं। आइए अब हम लोग सॉल्यूशन में इन्हीं दोनों एंगल्स को लिख देते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल जो जो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर प्रूफ करना है वो दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल्स ABE एंड ट्राइंगल CFB, इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले हमने ABE लिया है, तो एंगल BAE बताएंगे। एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल BCF, एंगल BCF, और इसका रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, CBF। इसका रीजन, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी हमने रीजन बता दिया। तो दो एंगल्स इक्वल मिल गए, हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। नाइन में कहा जा रहा है इन द फिगर ABC and AMP are two right triangles, right angle that B and M. Then prove that triangle ABC is similar to triangle AMP. हमें दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, एक ट्राइंगल है ABC, right angle triangle है, और एंगल B 90 डिग्री का है। दूसरा ट्राइंगल है AMP, ये भी right angle triangle है, और इसमें एंगल M 90 डिग्री का है। हमें सबसे पहले प्रूव करना है ABC और AMP ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें एक एक तो राइट एंगल नजर आ रहा है, दूसरा हमें दोनों में एंगल ए कॉमन मिल रहा है,
तो आप इजीली इसको दोनों को एंगल एंगल सिमिलरिटी से कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। आइए हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखें कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो पहले हमने एबीसी लिया है। एबीसी में एंगल ए को हम किस तरह से लिखेंगे, सी ए बी लिख सकते हैं या बी ए सी लिख सकते हैं। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एएमपी में हम इसको पी ए एम कह सकते हैं या एम ए पी कह सकते हैं। तो एंगल पी ए एम, और ये है दोनों कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल। नेक्स्ट हमें दोनों राइट एंगल्स को इक्वल दिखा देना है। एबीसी ट्राइंगल में एंगल बी 90 है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, ए एम पी ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो बोथ 90 डिग्री, हमने ये रीजन यहां भी दिखा दिया। अब हम एंगल एंगल सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हमें बताना है सी ए अपॉन बी ए और बी सी अपॉन एम पी, क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए हैं और हम जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में या प्रोपोर्शनल होती है। तो हम कह सकते हैं एज वी हैव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम इनकी करिस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी, ये तीनों साइड्स हम करिस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में दिखा सकते हैं। प्रूफ क्या करना है, सी ए अपॉन पी ए ये लिखा है सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये लिखा बी सी अपॉन एम पी, तो ये दोनों रेशियो हमें प्रूव करना था। हम कह सकते हैं बाय सी पी एस टी, सी पी एस टी मीन्स करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सी पी सी टी करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये लिखा है करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बाय सी पी सी टी बाई सी पी एस टी, हम ये कह सकते हैं कि बी सी अपॉन एम पी इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी, ये भी हमारा पार्ट प्रूव हो गया।